लिखने का तरीका, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सी में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि प्रोग्राम जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, क्या करेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग, ठीक है, इस प्रोग्रामिंग को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, हम लोग का लिखने का तरीका क्या होगा, हम लोग उसमें क्या क्या यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, हमेशा एग्जाम पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग जब भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हेडर फाइल से। तो उसके लिए लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड कॉन io.h, ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स या फिर हम लोग इसको लाइब्रेरी फाइल्स भी बोलते हैं। हेडर फाइल्स या फिर हम लोग इसको बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। अब यहाँ पे हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स को इस प्रोग्राम में लिखने का क्या मतलब है? यहाँ पे जो हम लोग यहाँ लिखते हैं हैश इंक्लूड, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर। हैश इंक्लूड एक ऐसा प्री प्रोसेसर है जिसके थ्रू हम लोग इस फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को पढ़ने के लिए बुक्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं? लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां से हम लोग बुक्स इशू करा लेते हैं और हम लोग उससे देख के हम लोग क्या करते हैं, नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग को कुछ उसे पढ़ना होगा, कुछ भी नॉलेज उस बुक से लेना होगा तो हम लोग ले लेंगे, और हम लोग उसको क्या करते हैं अपने जिंदगी में या फिर हम लोग अपने सब्जेक्ट्स में उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो stdio.h नाम का एक फाइल है, ठीक है, उस फाइल को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, मतलब हम लोग अपने प्रोग्राम में इसको ऐड किए हैं, ठीक है। इस stdio.h का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड, I का मतलब होता है इनपुट, O का मतलब होता है आउटपुट। तो यहाँ पे हम लोग एक हेडर फाइल्स जो होती है stdio.h, जिसके थ्रू हम लोग इनपुट या फिर आउटपुट ले सकते हैं। अब कोई भी एक प्रोग्राम, ठीक है, कुछ ना कुछ इनपुट लेगा और कुछ ना कुछ आउटपुट हम लोग को देगा, तभी हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग को जब तक कोई आउटपुट नहीं मिलेगा हम लोग कोई चीज़ क्यों करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर हम लोग सीख रहे हैं, कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उस प्रोग्राम से हम लोग को कुछ फ़ायदा मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा, तभी तो हम लोग उस चीज़ को करेंगे। तो यहाँ पे भी जब तक हम लोग इनपुट नहीं देंगे वो आउटपुट भी डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक हेडर फाइल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं stdio.h। इसको स्टूडियो नहीं बोलते हैं, ठीक है, स्टूडियो की स्पेलिंग अलग होती है, ये होता है stdio.h, ठीक है, जिससे हम लोग इनपुट और आउटपुट को सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद सेकेंड फाइल है हमारे पास con.io.h, con.io.h, ठीक है, con कॉन मतलब होता है कंसोल, ठीक है, आई मतलब होता है इनपुट और ओ मतलब होता है आउटपुट, ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट, इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। ये एक ऐसी हेडर फाइल है जिसके थ्रू हम लोग कंसोल स्क्रीन को सपोर्ट करते हैं। कंसोल एक स्क्रीन होती है, ठीक है, जब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं उसके बाद में हम लोग को एक स्क्रीन मिलती है,
उस स्क्रीन से ही हम लोग इनपुट लेते हैं, उस स्क्रीन में ही हम लोग आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन को सपोर्ट करने के लिए हम लोग कौन सी हेडर फाइल यहाँ पे ऐड करते हैं, कॉन आईओ डॉट एच हेडर फाइल हम लोग वहां पे ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग दो हेडर फाइल अपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, हर एक प्रोग्राम में हम लोग ये दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। देन आता है उसके बाद void main, ऐसा। यहाँ पे जो हम लोग void main लिखे हैं, ये void main एक फंक्शन है। मेन क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, जहां से हम लोग का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू होता है। मतलब प्रोग्राम में जो भी चीज हम लोग लिखेंगे, सारी की सारी चीजें इस मेन के अंदर में ही लिखेंगे और वो इस सी कंपाइलर में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सी प्रोग्राम में जो भी हम लोग लिखेंगे वो इस मेन के अंदर में लिखेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे बहुत सारे, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सारे के सारे मेन के अंदर में लिखेंगे और मेन क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग को घर में जाने के लिए एक डोर रहता है, एक मेन डोर रहता है, मेन डोर में हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ये मेन डोर खोलेंगे तो हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं, सॉरी इस घर के अंदर हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो हम लोग का जो मेन फंक्शन है वो एक सी प्रोग्राम का मेन डोर है, मान के चलो, जिससे हम लोग इस प्रोग्राम में एंट्री ले सकते हैं और सारे के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम इस मेन को नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम का मतलब ही नहीं होगा, कभी रन नहीं होगा, कभी भी रन नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। यहां पे हमने मेन लिखा, ये क्या है, फंक्शन है, और इसके सामने लिखा हुआ है void, ठीक है। void होता है एक रिटर्न टाइप, ठीक है, void होता है रिटर्न टाइप। जो भी फंक्शन वैल्यू देगा, ठीक है, वो कोई ना कोई ये फंक्शन कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करेगा, कुछ फॉर्मूला अप्लाई करेगा, ठीक है, और वो हम लोग को वहां से कोई ना कोई आउटपुट देगा, ठीक है। ये आउटपुट कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये वैल्यू किस टाइप की है वो ये बताएगा रिटर्न टाइप, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं void, इस void का मतलब होता है नो वैल्यू, ठीक है, या फिर एम्प्टी वैल्यू, ठीक है, नो वैल्यू या फिर एम्प्टी वैल्यू, मतलब ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, उस केस पे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, void। अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न करता तो हम लोग उसके वैल्यू का डेटा टाइप हम लोग लिखते। अब वो डेटा टाइप वगैरह क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे void क्या है, रिटर्न टाइप है, मेन क्या है, फंक्शन है, ठीक है। हम लोग इसको void main टोटल पूरा का पूरा लिखते हैं, ये हमारा सिंटेक्स में आता है, ठीक है, void main हम लोग पूरा लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाते हैं फंक्शन ब्रैकेट, फंक्शन ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हम लोग लगाते हैं, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग इस टाइप का ब्रैकेट लगाते हैं इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ही हम लोग सारे स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते ही हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी हम लोग गलत लिखेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा और वहां पे बस एक ही गिफ्ट मिलेगा हम लोग को, एरर, ठीक है।
ये एरर हम लोग को नहीं लाना है। हम लोग को क्या सीखना है कि सही से हम लोग लिखें, सही सही स्टेटमेंट लिखें और हम लोग का प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो जाए। अगर हम लोग कहीं पे भी थोड़ी सी गलती कर देते हैं तो हम लोग को एक ही गिफ्ट मिलेगा, एरर। ठीक है, यही गिफ्ट मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग ने देखा। कोई भी अगर हमें सी प्रोग्राम बनाना है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होगा? उसका एक स्ट्रक्चर होगा, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही हम लोग को प्रोग्राम लिखना होता है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जैसे कोई भी एक लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, उसका एक व्याकरण होता है, ग्रामर होता है। ठीक है, उसी ग्रामर के ही हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, सब चीज हम लोग उस ग्रामर के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे भी सी प्रोग्राम का भी एक ग्रामर बना हुआ है। ठीक है, उसकी बहुत सारी चीजें पहले से बनी हुई है, उसी को ही हम लोग को यूज करना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो जब भी हम लोग एक सी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन में भी हम लोग एक हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड con.io.h। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं void main, ठीक है, इस टाइप का फंक्शन ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक चीज के बारे में जानते हैं कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ सी प्रोग्राम में जो भी चीज लिखते हैं, ठीक है, वो होता है टोकन, वो होता है टोकन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टोकन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन में हम लोग लिखे हैश इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड क्या होता है, मैं यहाँ पे एक एक करके बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, हैश इंक्लूड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर। ठीक है, प्री प्रोसेसर एक ऐसा डायरेक्टरीज होता है जिसमें वो एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, मतलब ये फाइल को इस प्रोग्राम में ऐड करो। अब यहाँ पे जो stdio.h लिखा हुआ है, stdio.h क्या होगा, ये एक हेडर फाइल है, ये क्या है, एक हेडर फाइल है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स, इस लाइब्रेरी फाइल्स में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस बने होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे stdio.h लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, std मतलब होता है स्टैंडर्ड, I का मतलब होता है इनपुट और O का मतलब होता है आउटपुट, तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये हेडर फाइल हम लोग क्यों ऐड करते हैं, ताकि हम लोग इनपुट और आउटपुट को सपोर्ट कर सके, इनपुट और आउटपुट को सपोर्ट कर सके। ओके, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड किए हैं, वो जनरली इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग इस प्रोग्राम में ऐड करते हैं। अब इनपुट और आउटपुट कहाँ से मिलेगा, जो हम लोग फंडामेंटल में पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी होती है, जैसे कीबोर्ड माउस। ठीक है, तो ये सारे जो डिवाइस होते हैं वो कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। तो हम लोग भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो वो कुछ ना कुछ इनपुट लेगा। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसको भी हम लोग इनपुट देते हैं,
उसमें पेट्रोल डालते हैं तब वो बाइक चलती है, और आउटपुट क्या मिलता है हम लोग को कि वो गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम में भी हम लोग कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं और कुछ ना कुछ प्रोग्राम हम लोग को आउटपुट देता है उसका, ठीक है। उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग stdio.h हम लोग लिखते हैं। अब वो क्या क्या इनपुट लेता है, क्या आउटपुट देता है, वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को दो नंबर को ऐड करना है, दो नंबर को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2+2 करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, दो नंबर चाहिए, ठीक है। दो नंबर के लिए हम लोग दो नंबर लेंगे, सबसे पहले 2 लेंगे, फिर एक और 2 लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा आउटपुट 4, ठीक है। तो हम लोग का इनपुट क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू 2 है। एक और इनपुट हम लोग को चाहिए था तो वैल्यू 2 इनपुट किए, दोनों को जब ऐड किए तो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है 4। तो इसी प्रकार से जो हम लोग इनपुट और आउटपुट यहाँ पे देते हैं उसको सपोर्ट करता है stdio.h। अब ये इनपुट और आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, इनपुट कहाँ से मिलेगा, आउटपुट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से लेके आएंगे? सोपेला मार्केट से हम लोग नहीं लेके आएंगे, कहीं से नहीं लेके आएंगे, ठीक है। हम लोग को मिलेगा कंसोल इनपुट आउटपुट से, ठीक है। कॉन io.h नाम का एक हेडर फाइल हम लोग ऐड करेंगे जो सपोर्ट करेगा कंसोल स्क्रीन को, कंसोल स्क्रीन को सपोर्ट करेगा, और इसको बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है, हेडर फाइल। तो यहाँ पे CON मतलब होता है कंसोल, I मतलब होता है इनपुट, O मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। ये एक प्रकार की हेडर फाइल है जो यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ले रहा है, मतलब यहाँ जो इनपुट आउटपुट ले रहा है वो कहाँ से लेगा, वो कंसोल स्क्रीन से लेगा, ठीक है। कंसोल स्क्रीन से ही उसको इनपुट मिलेगा, कंसोल स्क्रीन में ही उसको आउटपुट डिस्प्ले करके दिखाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं तो हम लोग उसमें कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं। इनपुट हम लोग कैसे देते हैं, हम लोग के मोबाइल में टच स्क्रीन होता है या फिर कोई ना कोई बटन होता है जिसके थ्रू हम लोग इसको इनपुट देते हैं। मोबाइल क्या करता है, उस इनपुट को लेता है, कुछ प्रोसेस वगैरह करता है और हम लोग को स्क्रीन पे दिखाता है। स्क्रीन क्या है, आउटपुट है उसका, स्क्रीन पे ही हम लोग को दिखता है तो वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग रन करते हैं तो उसके बाद एक स्क्रीन मिलती है हम लोग को, ब्लैक कलर की स्क्रीन रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंसोल स्क्रीन। कंसोल स्क्रीन से ही हम लोग इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट हेडर फाइल हम लोग ऐड करते हैं, stdio.h और con.io.h। ये दोनों के अलावा हम लोग कोई और हेडर फाइल यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा काम इस दोनों से चल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सब फंक्शंस अवेलेबल है, जितने भी फंक्शंस हम लोग देखेंगे सबके सब फंक्शंस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती है पहले से, बस उसको हम लोग को यूज़ करना होता है और हम लोग को अपना प्रोग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो ये दो है हेडर फाइल्स, इसको बोलते हैं हम लोग हेडर फाइल्स, ये दोनों को। देन आता है यहाँ पे वॉइड मेन, ये एक फंक्शन है, ये क्या है, एक फंक्शन है। यहाँ पे लिखा है वॉइड मेन, ये एक प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन मतलब क्या होगा कि ये ओके तो ये क्या होगा, ये एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक घर का मेन डोर होता है, मेन डोर होता है और हम लोग अपने घर की सारी चीजें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सब चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग घर के अंदर घुसे टीवी ऑन कर सकते हैं, फ्रिज ऑन कर सकते हैं, ठीक है, गाने वाने चला सकते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है, सब चीज एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो सबको हम लोग यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करके कुछ ना कुछ आउटपुट वहां से ले रहे हैं, ठीक है। तो वॉइड मेन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम लोग लिखेंगे, इसमें बहुत सारी लाइंस हम लोग लिखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है।
स्टेटमेंट को ये मेन फंक्शन जो है एग्जीक्यूट करता है। कहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा? प्रोसेसर में, प्रोसेसर में उसको एग्जीक्यूट करेगा और यहां से कुछ ना कुछ हम लोग को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे प्रोसेसर में। हम लोग के कंप्यूटर पे एक प्रोसेसर लगा होता है, उस प्रोसेसर का काम होता है कि जो भी इनपुट है उसको सबको एग्जीक्यूट करो, वहां से कुछ आउटपुट दो। ठीक है, तो वो प्रोसेसर से काम कौन करवाएगा? ये मेन फंक्शन करवाएगा। ठीक है, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, बस इतना हम लोग को समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेन जो है ये फंक्शन का नेम है, नाम है फंक्शन का, और यहाँ पे जो हम लोग ये ब्रैकेट लगाए, फंक्शन ब्रैकेट इसको बोलते हैं, फंक्शन ब्रैकेट। ठीक है, फंक्शन ब्रैकेट इसको ऐसा ही लिखना होता है। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़े से भी चेंजेस कर लेते हैं तो हम लोग को एक ही गिफ्ट मिलता है, एरर। ठीक है, प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर लगाते हैं इस टाइप को ब्रैकेट, मतलब ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे। फिर क्या होगा? इसके अंदर में ही सारे स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। जैसे घर का बाउंड्री वॉल है, ठीक है, तो ये मेन फंक्शन का बाउंड्री वॉल मान के चलो, हम लोग का बाउंड्री यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। ये एक एरिया है जिसके अंदर हम लोग को अपने स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग करनी होती है, अपने लॉजिक यहाँ पे लिखने होते हैं। उसी प्रकार से ही हम लोग का ये प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड किया। ठीक है, हैश इंक्लूड को बोलते हैं प्री प्रोसेसर, और यहाँ पे दो हेडर फाइल्स है, stdio और .h, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। फिर उसके बाद एक और हेडर फाइल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन आईओ डॉट एच, इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। देन उसके बाद लिखते हैं void main, जो कि हमारा मेन फंक्शन है, और हम लोग कुछ इस प्रकार का कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और इसके अंदर में ही हम लोग स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम को हम लोग कैसे लिखते हैं।